लागे गुरु, लागे गुरु। देश की राजधानी, देश का दिल दिल्ली, और इसी दिल्ली में है कई ऐतिहासिक जगहें और तीर्थ स्थल जिनका अपना एक अलग इतिहास है, जिनकी अपनी एक अलग कहानी है जो इन्हें बेहद खास बनाती है। आज हम हैं दिल्ली के प्रसिद्ध गुरुद्वारा बंगला साहिब में। ये सफ़ेद संगमरमर से बना गुरुद्वारा सभी धर्मों की आस्था का केंद्र है। गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी का पवित्र स्थान है। राजा जय सिंह जी दे जेडे दादा जी सन, उन्हां दा नाम सी राजा भाऊ सिंह, ये उन्हां दे पोतरे सी। इन्हां दा गुरु घर दे नाल बहुत नेड़ सी। इन्हां ने दिल्ली दी संगत नूं नाल लैके कीरतपुर साहब बेनती की। गुरु साहब दिल्ली ही नहीं आए, सगों वो राजा जय सिंह दे बंगले विच ठहरे। गुरु जी दे ठहरन करके, गुरु जी दे ठहराव करके, उन्हां दे इत्थे चरण पैण करके, ये जिहड़ा राजे जय सिंह दा बंगला सी, ये गुरु जी दा बंगला साहब बन गया। बाला प्रीतम, गुरु हरकृष्ण साहब जी जब दिल्ली में आए तो दिल्ली में काफ़ी चेचक की बीमारी फैली हुई थी। यहाँ पर गुरु जी ने अपना अंगूठे से छुआ के अमृत जल दिया। उस अमृत जल से सारी दिल्ली की बीमारी दूर हुई, संगत की बीमारी, सारी संगत की परेशानी गुरुदेव को रिक्वेस्ट करके अपने ऊपर ले ली, तो सारी चेचक गुरु जी को हो गई, तो संगत को बहुत आराम मिला, संगत बिल्कुल ठीक ठाक हो गई। तब से ये गुरुद्वारा बंगला साहब बहुत मशहूर हो गया, संगत में बहुत मशहूर है, संगत में इसका बहुत नाम है, सब लोग श्रद्धा से आते हैं। आज भी लोगों में विश्वास है कि गुरुद्वारे के इस जल से वो रोग मुक्त हो जाते हैं, और तभी इस जल को अमृत भी कहा जाता है। गुरु साहब जी ने जिहड़ा अज भी गुरुद्वारा साहब दे बाहर चुबच्चा साहब है, जिसनों असी श्रद्धा नाल अमृत कुंड कहने हैं, उत्थे जल पा के अपने चरण छुहा के वह जल दिल्ली की टुकाई नूं बख्शिया सी, दुनिया के रोग कटे सन, और उदों तो लैके अज तक जो भी संगत इत्थे आउंदी है वह ये शब्द जरूर पढ़ती है कि रोगी का प्रभ खंडो रोग, दुखिए का मिटावो प्रभ सुख। ये है गुरुद्वारे का सरोवर, जहाँ सभी श्रद्धालु आकर स्नान करते हैं और अपने आप को रोग मुक्त करने की कामना करते हैं। गुरुद्वारों में लंगर की प्रथा श्री गुरु नानक देव जी ने शुरू की थी, और ये प्रथा सदियों से चली आ रही है। गुरुद्वारा साहिब में गुरु के दरबार में सभी एक समान हैं, सभी एक पंगत में बैठकर लंगर प्रसाद का आनंद उठाते हैं, तो चलिए हम भी लंगर का आनंद उठाएं। कोई भी हमारे यहाँ किसी भी वर्ण का, किसी भी जात का, किसी भी धर्म का, कोई भी संगत का प्राणी यहाँ आता है, बड़े प्यार से श्रद्धा से लंगर छकता है। हमारे गुरुद्वारे के सेवादार उसकी बिल्कुल तन मन से सेवा करते हैं। हमारे यहाँ एक लंगर हॉल बना हुआ है, लंगर हॉल बहुत मॉडर्न तरीके से बना हुआ है और बहुत हाइजीनिक है। यहाँ कम से कम 50,000 लोग रोज़ लंगर यहाँ से छकते हैं। ये लंगर 24 घंटे चलता है, हजारां प्राणी इत्थे रोज़ लंगर छकते ने। ऐतवार और विशेष दिन ये गिनती लखा तो भी पार होती है। बाबा बघेल सिंह इत्थे म्यूजियम है, जिहदे विच पूरी जिहड़ी गुरु साहिबानां दी और सिखां दी हिस्ट्री
ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। यहाँ पर एक पॉलिक्लिनिक खोला गया है जिसका नाम गुरु हर कृष्ण हॉस्पिटल रखा गया है। वहाँ पर हम हर किसी मरीज का ध्यान रखते हैं। 10 रुपये की पर्ची में सभी इलाज होते हैं, सभी टेस्ट होते हैं। यहाँ पर MRI की सुविधा है, CT स्कैन की सुविधा है। MRI सबके लिए, सब धर्मों के लोगों के लिए हम 50 रुपये में करते हैं और CT स्कैन भी 50 रुपये में प्रोवाइड करते हैं। पूरे संसार की आस्था है, मत्था टेकन भी दुनिया सारी आती है और सब लोग इत्थे आके सेवा भी करते हैं और सब दियाँ जिहड़ियां शुभ मनोकामनावां वो इस स्थान तो पूरियां होंदियां ने। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतह। गुरुद्वारा यानी गुरु साहिब का दरबार, जहाँ आकर बहुत सुकून मिला मुझे। हमें उम्मीद है कि हमारी यात्रा और उससे जुड़ी जानकारियाँ आपको ज़रूर पसंद आई होंगी। हम मिलेंगे आपसे अगले हफ्ते फिर किसी नई जगह पर।